যার হাত এসেছে সত্য ও যাহাকাল বাতিল চলে গেছে মিথ্যে ইন্নাল বাতিল নিশ্চয় মিথ্যে কানা জাহুকা চিরদিন মিথ্যে হ্যালো হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी डॉक्टर साहब आई हैव टू क्वेश्चंस मेरा पहला सवाल ये है कि मैं वन क्वेश्चन थैंक्स फॉर बिकॉज़ देयर मेनी कॉल्स गोइंग ऑन कैन यू आस्क द जी जी मेरा पहला सवाल इंपॉर्टेंट जी जी मेरा सवाल ये है कि ये जो बड़ी रातें जो आती हैं ललतुल कदर जो आती है और ये शबे मेराज जो आती है और शबरात जो आती है तो लोग जो खुसूसन पाकिस्तान इंडिया में लोगों ने जो एक मुकर्रर कर लिया है कि वो जागने वाली रात है और रात भर इबादत करनी है और उसी रात सारी आपको अपनी नफिल नमाजें पढ़नी है तो मैं हमेशा इस बात पे काफी मुझे ये इस बात पे कंफ्यूजन होती है कि इबादत तो इंसान को 365 डेज करनी चाहिए नफिल तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं दुआएं तो आप कभी भी कर सकते हैं तो मतलब ये जो रातें जो होती हैं इनका आप थोड़ा जिक्र करेंगे बताएंगे कि हमको करना क्या है इन रातों में जो बहन ने सवाल किया कि कई रातें हम हमारे माशरे में बनाते हैं लेकिन जो कुरान मजीद में जिसका जिक्र है वो लैलतुल कद्र उसका एक सूरा भी है और ये थाउजेंड्स ऑफ हजारों रातों के मुकाबले में है सिर्फ एक ही रात का जिक्र है और मैं आपकी बात से मुत्तफिक रखता हूं कि आप बिल्कुल सही फरमाती है कि इबादत तो हर रोज करना चाहिए साल के हर दिन में करना चाहिए 365 डेज लेकिन खुसूसन क्योंकि ये जो कुरान में जिक्र है कि इस रात में कुरान नाजिल हुआ था तो ये हमारे लिए एक अहम रात है और हजारों रात के मुकाबले में है अल्हम्दुलिल्लाह और हमारे रसूल हमारे पैगंबर मुसलसल फरमाते कि ये आखिरी अशरे में आती है और मैं समझता हूं कि खुसूसन अल्लाह सुभान व तआला ने ये कौन सी रात है उसका जिक्र नहीं किया तो कि हमें और मौका मिलता है इबादत करने का तो हम ये आखिरी अशरे में रमजान के आखिरी 10 दिनों में खुसूसन कहते हैं कि इट शुड बी अल्टरनेट इट शुड बी ऑड डेज या हो 21वीं रात हो या 23वीं या 25वीं या 27 या 29वीं रात इन एक रातों में होना और क्योंकि हमें पता नहीं कि रमजान कभी एक दिन लेट शुरू होता है एक दिन पहले शुरू होता है तो इसीलिए हम सब 10 रात अगर इबादत करेंगे सबसे बेहतर है या खुसूसन जो अल्टरनेट नाइट्स है 21वीं 23वीं 25वीं 27वीं 29वीं तो हमें मौका मिलता है और इबादत करने का लेकिन इस वक्त आप भी इबादत करेंगे आपका जो सवाब है वो कई कई ज्यादा होगा तो इसीलिए अल्लाह के रसूल ने कहा कि हमें ढूंढना चाहिए कि ये रात जो है आखिरी अशरे में हमें ढूंढना चाहिए तो क्योंकि इबादत करने का मौका है और आम तौर पे इबादत करने का सवाब तो मिलेगा ही लेकिन खुसूसन रमजान में सवाब और मिलेगा क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि शैतान अल्लाह सुभान व तआला शैतान को कैद कर रखता है तो हमें और सवाब मिलेगा और खुसूसन रमजान के अंदर आखिरी अशरे में और सवाब मिलेगा और खुसूसन जो अल्टरनेट नाइट है 21वीं 23वीं 25वीं 27वीं 29वीं इन रातों में और सवाब मिलेगा इसीलिए हमें इन रातों में कोशिश करना चाहिए कि जागना चाहिए और इबादत करना चाहिए लेकिन साल के उसका मतलब ये नहीं कि बाकी दिनों बाकी रात में बात नहीं करना चाहिए हर रोज करें तो बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन कई रातें जो बाकी हमारे मुआशरे में बनाई जाती है इस कि दलील कोई सही हदीस में नहीं है जो दलील सिर्फ हमें मिलती है वो है खुसूसन लैलतुल कद्र के बारे में होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन